हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखता है 2017 10 तारीख को 10 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का खरीदे 15% ट्रेड डिस्काउंट है। घनश्याम से खरीदे मतलब उधार खरीदे, और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते, इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहां ध्यान दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 50,000 का खरीदे जिसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर लिए तो आ गया 42,500। तो सिंपल गुड्स खरीदने का एंट्री करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर लेंगे। नरेशन हम नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000। घनश्याम को 2000 का गुड्स वापस कर दिए, तो वापस कर देंगे तो रिटर्न करने का जो एंट्री होता है, एंट्री उलट देते हैं, परचेज रिटर्न लिखते हैं, तो रिटर्न करने का एंट्री करेंगे तो एंट्री होगा घनश्याम टू परचेज रिटर्न, रिटर्न किए 2000 का। तो जब खरीदने के समय ट्रेड डिस्काउंट होता है तो रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट घटा लेते हैं, तो इसमें भी 15% घटा लेंगे। ठीक है, अगर खरीदने के समय हम लोग को डिस्काउंट मिला है तो वापस में भी वो डिस्काउंट काट के ही वापस लेगा। ठीक है, तो खरीदने के समय 15% डिस्काउंट था तो रिटर्न में भी 15% घटा देंगे। अब इसको समझो, 42,500 का खरीदे थे, 1700 का रिटर्न कर दिए। तो देखो, 42,500 का हम लोग खरीदे थे, 1700 का रिटर्न कर दिए, यानी 40,800 रुपीज घनश्याम को अभी हम लोग को देना है। ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। लिखता है पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो 40,000 दिए इन फुल सेटलमेंट, देना था 40,800, 40,000 दिए इन फुल सेटलमेंट, यानी 800 रुपया डिस्काउंट हो गया। देखो लिखते हैं, घनश्याम को देना था 42,500 का खरीदे थे, 1700 रिटर्न कर दिए, यानी हम लोग को इसको देना है 40,800, लेकिन इसको हम लोग कैश में दिए सिर्फ 40,000, वो भी इन फुल सेटलमेंट, यानी 800 और नहीं देंगे, तो ये 800 हम लोग को डिस्काउंट हो गया और इसको हम लोग लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव। और ये डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होता है, इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, तो फिर से बोल रहे हैं, 50,000 का खरीदे थे, 15% डिस्काउंट था, डिस्काउंट घटा के लिए 42,500, 2000 का वापस किए, तो वापस करते समय भी 15% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे तो आएगा 1700। अब देखो, 42,500 का खरीदे, 1700 का वापस कर दिए तो 40,800 देना है, 40,000 रुपीज दिए इन फुल सेटलमेंट तो 800 डिस्काउंट हो गया, इसको लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ऐसा सेम फिर से एक बार है, तो अगर नहीं समझ में आया तो इसको देखो, ये तीन पॉइंट वैसा ही सेम फिर से है। लिख रहा, रघु से खरीदे 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट में। तो एंट्री हुआ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु, 60,000 का खरीदे थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो आया 54,000। अब इसमें से कुछ वापस कर दिए तो लिखता है रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 5,000। इसमें से 5,000 का रघु को वापस कर दिए, वापस कर दिए तो एंट्री होगा रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रघु टू परचेज रिटर्न। देखो पहले भी बताए थे, यहां आप एपोस्ट्रोफी एस देके अकाउंट लगा सकते हैं और नहीं तो सिर्फ रघु लिख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में अकाउंट लगाना जरूरी नहीं होता है। वापस किए 5,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, यानी 4,500। तो फिर वही 54,000 का खरीदे थे, 4,500 का वापस कर दिए तो पैसा देना है 49,500। लिखता है पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट, तो देना था 49,500 और दिए 49,000 इन फुल सेटलमेंट। 54,000 का खरीदे थे, 4,500 वापस कर दिए, 49,500 देना था, इसको कैश हम लोग दिए 49,000 इन फुल सेटलमेंट, तो 500 रुपया जो बच गया ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसको डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेशन आप कर लीजिएगा। देखिएगा इसको, अभी तक हम लोग खरीदने वाला एंट्री कर रहे थे, अब इसमें बेचने का है, पढ़ो ध्यान से। 2017 जनवरी 6 तारीख, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज 2,00,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। मुस्कान को सेल किए 2,00,000 का जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 20%। सेल करने का एंट्री होगा मुस्कान टू सेल्स, 2,00,000 का सेल किए, 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 1,60,000। ठीक है,
अब है मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000, इसमें से 5,000 का मुस्कान वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, 5,000 का मुस्कान रिटर्न कर दी, तो उसमें भी 20% ट्रेड डिस्काउंट घटा लेंगे। ठीक है, अगर बेचने के समय ट्रेड डिस्काउंट है तो हम लोग रिटर्न भी घटा के ही लेंगे, तो ये हो गया 4,000। तो देखो हम लोग 1,60,000 का उसको बेचे थे, 4,000 का वो रिटर्न कर दी, यानी 1,56,000 उससे लेना है। यहां क्या लिखता है, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। मुस्कान से पैसा मिला 4% डिस्काउंट काट के। तो देखो मुस्कान से पैसा मिला तो कैश आया, कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट काट के मिला तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होता है। ठीक है, मुस्कान से लेना है 1,56,000, 4% डिस्काउंट काट के वो दी, तो 1,56,000 का 4% हम लोग निकालेंगे, 1,56,000 का 4% आएगा 6,240, तो माइनस करके आ गया 1,49,760। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले मुस्कान को गुड्स बेचे 2,00,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1,60,000, उसमें से मुस्कान 5,000 का रिटर्न कर दी, तो उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट घटा लिए 4,000, तो अब मुस्कान से लेना 1,56,000। मुस्कान 4% डिस्काउंट काट के दी, यानी पैसा हम लोग को कम मिला, तो पहले 4% डिस्काउंट निकाले, आया 6,240, यानी तो पैसा मिला 149,760। बस और नहीं है तो इसको आप टोटल कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन और आंसर का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप बना लीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं और एक एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए और दे देंगे।